राम राम किसान भाइयों, मेरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको थ्रेसर की कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं, जो कि सीजन आ चुका है फसलों का और सभी किसान भाई थ्रेसरों में लगे हुए हैं। कुछ की सेटिंग मिलती है, कुछ की नहीं मिलती, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हर जानकारी मिले आप, क्योंकि पहले ही मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ और मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी ये अपन थ्रेसर देख रहे हैं, ये हन्नाम सिंह मिट्टू सिंह की थ्रेसर है, 2020 का मॉडल है ये। और अब जो नई थ्रेसर आ रही है वो थोड़ा चेंज होकर आ गई हैं, क्योंकि हर पते मॉडल में थोड़ी सेटिंग का चेंज करना पड़ता है। तो इसमें आपको मैं सभी प्रकार की फसलों की जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मेरी हर सेटिंग के लिए अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, वो आप देख लें। तो इसमें अधिकतर हम धनिया और सरसों और मसूर ये चीज़ें निकालते हैं, तो इनकी सेटिंग मैं आपको थोड़ी विस्तार से आज बताना जा रहा हूँ, तो वीडियो को समझें ध्यान से। सबसे पहले हम थ्रेसर जब नई लेकर आते हैं तो उसमें सेटिंग अलग से होकर आती हैं, और अलग से होकर आती हैं तो हमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो चेंजेस का आप वैसे ध्यान रखें, क्योंकि अधिकतर थ्रेसरों में बहुत समस्या आ रही है दाने फेंकने की। मेरे पास एक एनबीटी थ्रेसर भी है, उसे भी मैं अभी लाया हूँ, तो उसकी थोड़ी सेटिंग में बनाई है, थोड़े परेशान होना पड़ता है। और ये थोड़ी पुरानी है मेरी, तो इसमें भी सेटिंग मैंने बना रखी है, तो जिससे कि आपको कुछ समस्या उत्पन्न ना हो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सेटिंग में आपको जो ऊपर जाल अपन को मिलते हैं, तो उन जालों को हर फसल के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। ऊपर वाले टापे में वो आप टापा देख रहे हैं, उसका जो जाल होता है उस हिसाब से हम जाल चेंज करते हैं, जो फसल है उस वही हिसाब से फसल में जाल डलेगा। जैसा कि इसमें मुझे तीन जाल मिले हुए हैं, तो इसमें थोड़ी मसूर की समस्या में थोड़ा छोटा जाल नहीं है मेरे पास, तो उसमें थोड़ी वो मसूर के दाने फूटकर नहीं आ पाते, वो तितली आती हैं उनमें लगी हुई दाने भिटक आते हैं। तो मसूर में सबसे छोटे छोटा जाल आप इसमें लगाएं, जिससे कि आपको कचरा ना आए यहाँ पर, क्योंकि अधिकतर जे इस मशीन में, और ये अभी जाल अपने पास नहीं है तो शायद आप बनवा लें, क्योंकि अगर आप देने लगे हो तो अलग बात है, पहले नहीं आते थे। तो मसूर में करना है, और मसूर में मैं आपको बता दूं, ये फेरमेंट आप इस पर चढ़ा लें, ये अभी सरसों की सेटिंग पर है, ये फेरमेंट आप इस पर डाल लें, इस वाले छोटे वाले पर। तो अभी ये सरसों की सेटिंग पर चल रही है, और धनिया की सेटिंग में भी मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, नहीं बनाया था मैंने, तो धनिया की सेटिंग में इसी पर आएगी, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा चक्कर होता जाता है तो धनिया के दाने फूटने लगते हैं, तो धनिया सेटिंग इसी कर लें। और इसमें तीन जाल हैं, तो धनिया के जाल भी अलग से, मतलब ये बीच वाला जाल होता है उस हिसाब से आप ऊपर डाल लें उसमें। और धनिया में थोड़ा क्या रहता है, हवा बहुत कम आवश्यकता होती है हवा की, तो यहाँ से हवा कम ज़्यादा आप कर लें। और एक इसका हवा का सिस्टम ये दे रखा है यहाँ पर, ये दिख रहा होगा आपको, वहाँ से कम ज़्यादा कर लें, तो ये हवा कम ज़्यादा अपनी धनिया वाली सिस्टम हो जाता है। और मसूर में तो फुल हवा चलती है, क्योंकि मसूर में दाने में वजन होता है, तो उसमें आपको समस्या नहीं है। ये हवा तो आप सभी फसलों में नीचे ही रखें, तेज़ हवा में, ज़्यादा हवा में रखें, चाहे वो धनिया हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये तो तेज़ी रहता है। यहाँ से कुछ सरसों और धनिया में हवा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी हल्की प्रकार की फसल होती हैं, तो इनमें आप कर लें। और फेलमेंट में आप बात कर देता हूँ, यहाँ पर अगले बारे फेलमेंट मसरा में और सरसों में आप यहीं चलाएं, धनिया में इस पर डाल दें। और इसमें थोड़ा जाल आगे चेंज होता है, अभी सरसों का जाल डला हुआ है इसमें, तो इस जाल को आप मसरा के हिसाब से थोड़ा बड़ा जाल डाल दें, और धनिया के हिसाब से और बड़ा जाल डालेगा इसमें। इसमें आप ये भी हवा यहाँ से उठाने का होता है, इसको थोड़ा ऊपर कर लें धनिया में, और उसमें क्या बोलते हैं मसरा में आप नीचे ही चलने दें, क्योंकि मसरा भारीपन पर होता है,
और चने में भी यही चलने दें। चने में और मसरा की लगभग एक जैसी सेटिंग रहती है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर का जाल आप जरूर बदलें चना में और मसरा में। मसरा में थोड़ा हल्का जाल डलता है और चने में थोड़ा बड़ा जाल डलता है, जो कि आपकी घेंटी इसके जाले पर ना आए। ये यहाँ के अभी आपको जाल बदलना पड़ेगा। अगर आप ये सरसों का जाल डला हुआ है अभी, इसमें आपको मसरा या चना निकालें, ये थोड़ा बड़ा डलेगा। यहाँ से इसकी हवा कम कर लें, ये वाली धनिया में थोड़ा इसको उठा के चलें ऊपर ऊपर कर लें, और सरसों में भी लगभग थोड़ा नीचे कर लें, थोड़ा ही नीचे करना सरसों में, सरसों भी फौरी होती है। और चना और मसूर में नीचे चला के चलें, क्योंकि कचरा वो दाने तो नहीं उठाती, लेकिन कचरा आने के चांस अपने अधिक रहते हैं। और इस जाली को आपको चेंज करना, ये अभी सरसों की है, इसमें आप धनिया में थोड़ी बड़ी जाली डाल दें। और इधर सेटिंग कुछ है नहीं है, और आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी समस्या अगर आपको आती है। तो आप बात समझ गए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मशीनों की सेटिंग के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, हर कृषि संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अभी मैं वीडियो को विराम देता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राम राम।